दोस्तों एक बार फिर से माप के लिए वन विभाग भर्ती 2024 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नया विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 29 जुलाई से शुरू होने जा रही है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 248 वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप 10 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं वन विभाग भर्ती 2024 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO, वन अक्षेत्र पदाधिकारी और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF, सहायक वन संरक्षक की। टोटल 248 वैकेंसीज निकली है। इसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 170 पद है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 78 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 अगस्त 2024 है। फीस पेमेंट की डेट 1 अगस्त से 11 अगस्त 2024 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस UROBCEEE के लिए 600 है, SST के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। jpsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर FRO नोटिफिकेशन PDF और ACF नोटिफिकेशन PDF दो अलग अलग लिंक दिए गए हैं। इन लिंक्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोनों नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन वन अक्षेत्र पदाधिकारी के लिए है और ये नोटिफिकेशन यहाँ पर सहायक वन संरक्षक के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले वन अक्षेत्र पदाधिकारी की डिटेल। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसीज देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज 170 है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल, एज लिमिट सभी जानकारी दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से फिजिकल डिटेल भी रीड आउट कर सकते हो, जैसे कि हाइट पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर हाइट दी गई है 145, 50, 163। और चेस्ट 79 बिना फुलाए यहाँ पर, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पर रनिंग की बात की जाए तो 4 घंटे 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहाँ पर मेल कैंडिडेट को फीमेल को 4 घंटे 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। इसी तरह यहाँ पर एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन दी गई, एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो प्री एग्जाम का ही पैटर्न दिया गया, 150 टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर मेन रिटन एग्जाम के लिए आपको ये पूरा पैटर्न दिया गया, 550 अंक होंगे। इसमें भी अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको पैटर्न दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस आपको डिटेल में भी दिया गया, सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस रीड आउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आउट अप्लाई का प्रोसीजर रीड आउट कर सकते हो और पूरी जानकारी आपको इसमें हिंदी में प्रोवाइड करा दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर वन अक्षेत्र पदाधिकारी के बाद में आप यहाँ पर सहायक वन संरक्षक की PDF रीड आउट कर सकते हो। इसके लिए टोटल 78 वैकेंसीज है। सैलरी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है, क्वालिफिकेशन डिटेल और फिजिकल डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, अन्य कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर है, और हाइट महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और अन्य कोटि के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट बिना फुलाए 79 फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर पुरुष के लिए 4 घंटे 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, महिला को 4 घंटे 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई। इसी तरह से यहाँ पर आपको इसका भी पैटर्न दिया गया, एग्जाम पैटर्न प्री और मेन एग्जाम दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया। आउट अप्लाई का पूरा प्रोसीजर भी आप रीड आउट कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप
आपको दोनों नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड करने के बाद में आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहां से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का यहाँ पर ये पोर्टल है। यहाँ पर 29 जुलाई को आपका अप्लाई करने का लिंक दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी पोस्ट के लिए लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। JBSC की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।